इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 7 को हम जो अपडेट करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन उसमें आपको विंडोज 7 को यूज करते हैं, लेकिन विंडोज 7 को हम जो अपडेट करते हैं तो हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, जो एरर आ जाता है, तो इस प्रॉब्लम को आपको आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप हमारा इस तरह नई वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो फ्रेंड, आपको सबसे पहले पीसी या लैपटॉप ओपन कर देना है। तो इस हमारे जो विंडोज 7 का लैपटॉप है, तो आपके पास पीसी या लैपटॉप में जो विंडोज 7 यूज करते हो वही आपको ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद उसमें आपको इंटरनेट को कनेक्ट कर देना है, क्योंकि जब भी हम विंडोज 7 को अपडेट करते हैं तो हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, जो एरर आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर देना है। तो चलो मैं स्टार्ट पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल को ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें आपको विंडो अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं विंडो अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो उसमें हम देखने को मिल जाता है कि हमारा विंडो है वही हमारा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको वेट करना है और उसमें हमारा एरर आ जाता है। तो चलो मैं आपको सभी प्रोसेस कंप्लीट करके बताने वाला हूँ कि मैंने चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर दिया है लेकिन हमारा विंडो अपडेट नहीं हो रहा है, तो हमारा उसमें जो एरर आ जाता है। तो चलो हम वेट करते हैं, और वेट करने के बाद चलो मैं आगे प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा इस तरह जो स्क्रीन पे जो एरर आ जाता है, जो हमारा विंडो है वही हमारा अपडेट नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे पहले आपका पीसी या लैपटॉप में इस तरह जो एरर आ जाता है तो आपको बैक बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें आपको थ्रोबल सेटिंग पे क्लिक करना है। तो चलो मैं थ्रोबल सेट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको उसमें विंडो अपडेट देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चल मैं विंडो अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह जो पेज है वही ओपन हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है, क्योंकि उसमें डिटेक्टिंग प्रॉब्लम है वही हमारा लैपटॉप में हो रहा है। तो आपके पास पीसी या लैपटॉप में इस तरह जो विंडोज 7 का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो सभी में प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो आपको इस तरह जो पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको फर्स्ट में क्लिक कर देना है। तो चलो मैं एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको बैक बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फिर से आपको कंट्रोल पैनल में आ जाना है। तो चल मैं बैक बटन पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको फिर से कंट्रोल पैनल में आना है। और कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इस सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है, और सर्विस पे क्लिक करने के बाद कई सारे जो सर्विस है भाई आपका पीसी या लैपटॉप में इस तरह ओपन हो जाएगा। तो चलो मैं सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि कई सारे जो सर्विस है, तो उसमें आपको मैक्सिमाइज पे चलो मैं क्लिक करता हूँ, और आपको किसी भी जगह पे क्लिक करके विंडो अपडेट को फाइंड करना है। तो चलो मैं कीबोर्ड में W को प्रेस करता हूँ, और उसमें जो विंडो अपडेट का ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट कर देना है। तो चलो मैं विंडो अपडेट को सिलेक्ट कर देता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आपको रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए उसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, तो आपको साइट में रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो विंडो अपडेट है रिस्टार्ट हो जाएगा, और आपको क्लोज कर देना है। तो चलो मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ, और क्लोज पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से विंडो अपडेट पे क्लिक करना है। तो चलो मैं विंडो अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें कई सारे जो सेटिंग है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो मैं फिर से विंडो अपडेट पे हम क्लिक करते हैं,
और क्लिक करने के बाद अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको चेंज सेटिंग पे क्लिक करना है। तो साइट में जो चेंज सेटिंग का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलो मैं चेंज सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो उसमें जो नेवर अपडेट है वही आपको चेंज करना है और उसमें आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देना है। तो चलो मैं फर्स्ट में इस तरह क्लिक कर देता हूँ और ऑटोमेटिक इंस्टॉल विंडो है वही आपको सिलेक्ट कर देना है। और सिलेक्ट करने के बाद चलो मैं टाइम उसमें 4 सिलेक्ट कर दिया और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आपको इस तरह ओके पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से विंडो है वही अपडेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि चेक फॉर अपडेट है वही हमारा फिर से लैपटॉप में स्टार्ट हो गया है। तो आपके पीसी या लैपटॉप में इस तरह चेक फॉर अपडेट स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको वेट करना है क्योंकि आपको उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आगे प्रोसेस देखते हैं कि हमारा एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वही हमारा सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा जो प्रॉब्लम था वही हमारा सॉल्व हो गया है। तो आपको विंडो को अपडेट भी कर सकते हो। तो चलो मैं अपडेट भी करके बता देता हूँ। तो मैंने इम्पोर्टेंट अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद उसमें आपको इम्पोर्टेंट अपडेट आया है आपका पीसी या लैपटॉप में वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी देख लीजिए कि मैंने इम्पोर्टेंट अपडेट पे क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद सभी जो सिलेक्ट है तो आपको सभी सिलेक्ट करके अपडेट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको सिखाने के लिए वन सिलेक्ट करके अपडेट करके आपको बता देता हूँ। तो चलो मैं सभी सिलेक्ट को हटा देता हूँ और मैं एक ही सिलेक्ट करके आपको अपडेट करके बताने वाला हूँ कि हमारा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो मैं वन को सिलेक्ट कर दिया है और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करने के बाद चलो मैं इंस्टॉल अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद चलो हम वेट करते हैं कि हमारा जो लैपटॉप में जो विंडो का प्रॉब्लम था वही हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, जो अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो हम वीडियो को पॉज करते हैं और मैं इंस्टॉल होने के बाद चलो मैं आगे प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड स्क्रीन पर देख लीजिए कि हमारा सही से जो विंडो है वही हमारा अपडेट हो रहा है। आपको सभी सिलेक्ट करके भी अपडेट कर सकते हो। मैंने आपको सिखाने के लिए वन सिलेक्ट किया है, तो आपको चाहो तो उसमें सभी सिलेक्ट करके अपडेट कर सकते हो और इस प्रॉब्लम को आपको आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा विंडो है वही हमारा सही से अपडेट हो रहा है, जो हमारा विंडो 7 है पीसी या लैपटॉप में जो एरर आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है वही मैंने लाइव प्रूफ करके आपको कंप्लीट बता दिया है और मैं आपको सक्सेसफुल करके भी बताने वाला हूँ कि किस तरह आपको अपडेट होता है। तो फ्रेंड अभी देख लीजिए कि हमारा सही से लैपटॉप में जो विंडो है 7 वही हमारा अपडेटिंग हो गए और उसमें सक्सेसफुल आ जाएगा। तो चलो हम वेट करते हैं और वेट करने के बाद आपको जो स्क्रीन पे सक्सेसफुल का मैसेज जो हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि हमारा लैपटॉप में सही से जो नेटवर्क इतना नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा उसमें थोड़ा हैंग भी हो रहा है। तो चलो हम वेट कर देते हैं और वेट करने के बाद आपको उसमें जो सक्सेसफुल का मैसेज जो हो जाएगा। तो फ्रेंड स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा विंडो 7 है वही हमारा सक्सेसफुल अपडेट हो गए। तो आपको इस तरह पीसी या लैपटॉप में विंडो 7 को यूज करते हैं लेकिन जो एरर आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड मैंने आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बता दिया है कि विंडोज 7 को जो एरर था वही आपको सॉल्व कैसे कर सकते हो और हमने अपडेट करके सक्सेसफुल भी करके आपको बता दिया है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।